इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने अपनी पत्नी धर्ममाल की दुल्हन को अपनी सारी परिवार की कहानी सुना दी कि इस प्रकार से मेरे पिता दिल्ली के भारी नामी सेठ थे जिनका नाम ताराचंद है और टोटे ने घेर लिए और मैं मनसा सेठ ठाकुर के यहाँ गिरवी रख दिया हूँ। अब मैं उन्हीं का काम धंधा करता हूँ। और फिर चलते चलते एक टापू आ जाता है। टापू में विश्राम करने के लिए जहाज को रोक दिया जाता है। कहता है चंद्रगुप्त कि सेठानी, पहले मैं सो जाता हूँ और तू जागती रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई जानवर इधर उधर से यहाँ आ जाए और या कोई ऐसा आदमी आ जाए जो हमारे माल को चुरा करके ले जाए, और फिर तू सो जाना, मैं जागता रहूंगा। इस प्रकार से आधी रात से पहले चंद्रगुप्त सो जाता है, धर्ममाल की जगती रहती है, और बाद में धर्ममाल की सो जाती है तो चंद्रगुप्त अपना जिहाज लेकर के वहां से चल देता है। और उधर जब सुबह उठ करके धर्ममाल की को पिया नहीं दिखाई दिए तो फिर तो उसके होश हवास उड़ जाते हैं। कोई उपाय नहीं सूझा, अपनी साड़ी को उल्टा सीधा लपेट लिया, अपने सारे बदन पर भभूत के तौर पर वहां रेत मसल लिया, अपने सिर के केस खोल लिए और एक बाबा जी का रूप धारण बना करके वहां बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद में कोई और पीछे से जहाज आ रहा था और वो उसको भी दिल्ली जाना था, तो अचानक जहाज वालों ने ये देखा कि यहाँ टापू पर कौन साधु आ गया है। जहाज का मालिक एक नौकर को भेजता है, नौकर आता है और बैठे हुए साधु को प्रणाम करता है। साधु ने एक आध बार नजरें ऊपर को उठाई, उसके रूप सौंदर्य को देख करके वो नौकर आश्चर्यचकित हो जाता है। जहाज पर जाकर के क्या बताता है उस बाबा जी के बारे में। अरे टापू के माँ बाबा जी की, मन शान निराली देखी रे, पंद्रह सोलह साल का से उम्र बाली देखी रे, शान निराली देखी रे, टापू के माँ बाबा जी की शान निराली देखी रे, पंद्रह सोलह साल का से उम्र बाली देखी रे, शान निराली देखी रे, टापू के माँ बाबा जी की शान निराली देखी रे। एक अल्फी में लिपटे बैठा नीची गर्दन ताक रहा, एक अल्फी में लिपटे बैठा नीची गर्दन ताक रहा, जने बादल की आड लिए वो चांद गगन में झांक रहा, जने बादल की आड लिए वो चांद गगन में झांक रहा, वो कदे कदे उठाक रहा था, कदे कदे उठाक रहा था, नजर कुढ़ाली देखी रे, उमर बाली देखी रे, टापू के माँ बाजी की चांद गगन देखी रे, पंद्रह सोलह साल का से, पंद्रह सोलह साल का से उम्र बाई देखी रे, चांद गगन देखी रे। हाँ गोरे मुख पे बला, गोरे मुख पे तिल से ठोड़ी खूब खिना राखी से, गोरे मुख पे तिल से ठोड़ी खूब खिना राखी से, लटाई सी जन परसन खाकर घटा तना राखी से, लटाई
किसी जन पर से कतर गटा राखी से कचिया कान पन्हा राखी से कचिया कान पिन्हा राखी से काना में बाली देखी रे उमर बाली देखी रे टापू के मामा बाजी की शानन रवि देखी रे पंद्रह सोलह साल कम उम्र बाली देखी रे शानन रवि देखी रे नीची नाड़ करे बैठा कुछ ज्यादा ही शर्मावे से नीची नाड़ करे बैठा कुछ ज्यादा ही शर्मावे से दो चार बार कोई बोले तो वो एक बार नजर उठावे से दो चार बार कोई बोले तो वो एक बार नजर उठावे से वो तन में खाक रमावे से वो तन पे खाक रमावे से पर अखियां काली देखी रे उमर बाली देखी रे टापू के मामा बाबा जी की शानदारी देखी रे पंद्रह सोलह साल का से उमर बाली देखी रे शानदारी देखी रे ओड उम्र में भला ओड उम्र में घर ते लिखड़ा कुछ तो रंग में भंग से ओड उम्र में घर ते लिखड़ा कुछ तो रंग में भंग से साधु का लागे से मन कति निराला ढंग से साधु का लागे से मन कति निराला ढंग से करम पाल के महके अंग से करम पाल के महके अंग से इतर पुलैली देखी रे उमर बाली देखी रे बापू के माँ बाबा जी की नानदारी देखी रे पंद्रह सोलह साल का से उम्र बाली